नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीतिक अखाड़ा में। 2019 चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती हैं इस चुनाव में। कोई नहीं चाहता कि कोई भी कसर रह जाए। जहां बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बचाए रखने का संघर्ष है, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने की कोशिश। पिछले 4 सालों में कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि आज उसे क्षेत्रीय पार्टियां भी आंखें दिखाती हैं। कभी ये क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के आगे पीछे करती थी, उनसे गठबंधन करके उनकी सरकार में अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए। लेकिन आज वही कांग्रेस सभी पार्टियों के लिए अछूत सी हो गई है और पार्टियां उनसे दूरी बनाना चाहती हैं। और आज कांग्रेस इन छोटी छोटी पार्टियों के पीछे भाग रही है उनसे गठबंधन करने के लिए। अगले लोकसभा चुनाव को लेकर भी अलग अलग दल गठबंधन कर रहे हैं ताकि सत्तारूढ़ मोदी सरकार को रोका जा सके। लेकिन आज भाजपा को कांग्रेस से उतना खतरा नहीं है जितनी दूसरी पार्टियों से है। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की राह में बड़ा रोड़ा बन सकता है। दरअसल भारतीय राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और कुछ चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में भी इसी बात पर मुहर लगता दिख रहा है। अभी हाल के एक सर्वे के मुताबिक अगर राज्य में एसपी और बीएसपी का गठबंधन नहीं हो पाता तो एनडीए को आम चुनाव में 291 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के जादुई आंकड़े से 19 ज्यादा होंगी। हालांकि दोनों दलों का गठबंधन बना रहता है तो 534 सदस्यीय लोकसभा में एनडीए की सीटें घटकर 247 रह जाएगी। इस सूरत में उसे बहुमत के लिए 25 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत में यूपी का बड़ा योगदान रहा था, जहां पार्टी ने 80 में से 71 लोकसभा सीटें जीती थी। वहीं इस हालिया सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी गठबंधन 50 सीटें जीत सकती हैं, वहीं बीजेपी को महज 28 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। इस हिसाब से उसे 2014 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 43 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। वहीं अगर इस महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होती है, जिसके लिए पार्टी भरसक कोशिश कर रही है, तो उसकी जीत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। राज्य में 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इसने अपना दम दिखाया भी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सीट फूलपुर के अलावा कैराना में इसने जीत का परचम लहराया था। इस सर्वे की एक और ध्यान देने वाली बात यह रही कि इसमें उड़ीसा की 21 में से 15 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान लगाया गया। वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यूपीए को अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद जताई गई है। खैर, यह तो तय है कि 2019 चुनाव में सियासी उलटपलट ऐसे हो रही है जैसे इस देश में कभी नहीं देखी थी। अब देखते हैं कि चुनाव परिणामों के बाद किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है और किसके हिस्से में क्या आता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।